आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली मेन के लिए होने वाली है, उन मेन के लिए जो इस मॉडर्न वर्ल्ड के ट्रैप में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। इस वीडियो में कही गई कुछ बातें हो सकता है आपको बुरी भी लगे, लेकिन ये बातें आपको दुनिया के एवरेज मेन से कहीं आगे ले जाएंगी। Association between insecticide exposure and lower sperm count in men. We turn now to male infertility. It is an affliction that many struggle with in silence, and we could be headed toward a crisis. Do you find modern men weak? Yes. Yes. I mean, I feel like their weakness is linked to their fear of being like not considered masculine enough. पिछले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया और ये टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। फीमेल्स कुछ मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस के थ्रू पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, मेंटली स्ट्रांग और ओवरऑल भी स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन ये सब चीजें जितनी तेजी से बड़ी और ग्रो हुई हैं, उतनी ही तेजी से मेल्स का टेस्टोस्टेरोन और मैस्कुलिनिटी वक्त के साथ कम होती गई है, जिसकी वजह से आज के मेल्स पहले के मेन के कंपैरिजन में वीक होते जा रहे हैं। यानी आज से कुछ साल पहले हिस्ट्री में मेल कैसे होते थे, उसके मुकाबले में आज के मेन की इमोशनल मैच्योरिटी, सोशलाइजिंग, मेंटल हेल्थ, अट्रैक्शन पावर और इवन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल्स की बॉडी के वो हार्मोन्स होते हैं जो कि एक मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। इन्हीं की वजह से ही मेल्स के मसल्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेल्स ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखते हैं। लेकिन 2007 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1980 से लेकर अब तक मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% तक कम होते जा रहे हैं। यानी 1980 में एक 60 साल के मेल का जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो आज के 30 साल के मेल के बराबर है, और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आसान अल्फाज में ये कि आज के मेन का टेस्टोस्टेरोन इनके पेरेंट्स से 30-40% तक कम हो गया। मैन अपने 20s में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं। आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी मेन में है, और एक स्टडी के अकॉर्डिंग सुसाइड करने वाले लोगों में सबसे बड़ा नंबर ऑलमोस्ट 80% मेल्स हैं। और आज के मेल्स सोशलाइजिंग करने, अपने गोल्स चेस करने और नए रिलेशनशिप्स बनाने की बजाय पॉर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड हैं। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही पॉर्न है, और इसी की वजह से ही आज के मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल और फर्टिलिटी रेट हर दिन गिरता जा रहा है। 2017 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1970 से 2011 तक मेल्स के एवरेज स्पर्म काउंट में 50-60% तक ड्रॉप देखने को मिले, और इवन कुछ स्टडीज ये भी क्लेम करती हैं कि 2045 आने तक मेल्स का स्पर्म काउंट जीरो तक पहुंच जाएगा, और इसी के चलते इस पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉपुलेशन कोलैप्स देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में मेल्स के सिर्फ दो पर्पज रहे हैं, पहला खुद को और अपनी फैमिली को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना, दूसरा उन्हें खाना और अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना और एक लीडर की तरह उस फैमिली को लीड करना। लेकिन आज के मेल्स इस कदर इनसिक्योर, वीक और लस्टफुल हो चुके हैं कि उनसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करना तो क्या, उनसे अपने करियर पर ही फोकस नहीं हो पा रहा, और इवन के बच्चे पैदा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के मेल्स मैस्कुलिन नेचर से ज्यादा फेमिनिन नेचर के बनते जा रहे हैं। यानी उनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुकाबले में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं। और इवन 2016 में यूके में यूगोव की तरफ से की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग मेल्स को अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली मैस्कुलिन या फिर कम्प्लीटली फेमिनिन के दरमियान रेट करके बताना था, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसमें से सिर्फ 2% यंग एडल्ट मैन ने ही खुद को कम्प्लीटली मैस्कुलिन रेट किया था। यानी सिर्फ 2% मेल्स ने ही खुद को कम्प्लीटली मेल माना था। और जब यही सेम रिसर्च उन मेल्स पर की गई जिनकी एज 65 ईयर्स से अबव थी, यानी जो 1950 से 1960 के दरमियान पैदा हुए थे, तो उनमें से 56% मेल्स ने खुद को कम्प्लीटली मैस्कुलिन माना था, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगले पॉइंट में है। टुडेज मैन डोंट नो व्हाट अ मैन इज। आज के मैन ये जानते ही नहीं है कि एक मर्द होना कैसा फील होता है, एक मर्द होता क्या है और एक मर्द को कैसा होना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोई अच्छा फादर फिगर ना मिल पाना। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के कुछ महीने या साल वो अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है, और ये नेचुरल है क्योंकि 9 महीने हम अपनी माँ की बॉडी में गुजारते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे अपनी माँ के प्यार से जुदा होकर रियल वर्ल्ड का सामना करना पड़ता है। एक मर्द की तरह उस सोसाइटी में उसे जाना होता है जहाँ सब टफ और पावरफुल लोग वीक लोगों को दबाकर राज कर रहे हैं, और इन सब का सामना करने के लिए उसे अपनी माँ से मिली फेमिनिन नेचर को मार कर अपने बाप से मिली मैस्कुलिन नेचर को एम्ब्रेस करना होता है। इसीलिए ये जो बॉय से मैन बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल और मुश्किल होता है। पुराने वक्तों में यंग बॉयज को एक मर्द बनाने के लिए वॉर्स में भेजा जाता था। बहुत से कल्चर्स में तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था। उन्हें हर तरह के पेन से गुजारा जाता था ताकि वो अपने अंदर करेज पैदा करके फियरलेस बन सके, और इससे उनके अंदर का एक वीक बॉय कहीं मर जाता था और उनके अंदर एक मर्द पैदा होता था।
अब जबकि आज के मेल्स को ना ही कोई वॉर लड़नी है और ना ही किसी को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, तो बस लगे हुए हैं घंटों तक अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक्सरसाइज करके अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के बजाय खुद को वीक बनाकर अपने कंफर्ट जोन में चिल कर रहे हैं। अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए इनको बस एक मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत है। ना ही लाइफ में कोई सोशलाइजिंग है, ना ही कोई पर्पस, बस सुबह से लेकर शाम तक पड़े हुए हैं मोबाइल पर। ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल है और ना ही अपनी लाइफ पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज की फीमेल्स अपने करियर और स्टडीज में मेल से ज्यादा फोकस्ड हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेल्स ने अपनी लाइफ पर कंट्रोल खोया है, वैसे वैसे ही फीमेल्स और ज्यादा स्ट्रांग होती गई हैं। फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो, फीमेल्स मेल्स से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो चुकी हैं। पर इस सब के पीछे वजह क्या है? इसका जवाब है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। टुडेज मैन्स लाइफ हैज बिकम वेरी इजी। देखिए दोस्तों, स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को मुश्किल में धकेलना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बॉडी बिल्डर की स्ट्रांग बॉडी देखते हो तो आपको क्या लगता है कि वो शुरुआत से ही ऐसे था? उसके वो एस्थेटिक एब्स और बाइसेप्स शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, बल्कि उसने वो बॉडी बनाने के लिए मेहनत की थी, रोज पसीना बहाया था, अपनी बॉडी को पेन से गुजारा था, तब जाकर वो बॉडी बनी थी। बिल्कुल ऐसे ही मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करना जो आपके लिए मेंटली और फिजिकली हार्ड हो। कोई भी इंसान इजी काम करके स्ट्रांग नहीं बन सकता, लेकिन आज के दौर में लड़कों के लिए हर चीज इतनी ज्यादा इजी होती जा रही है जिससे वो हर तरह से वीक बनते जा रहे हैं। आप खुद ही सोचो, आज से कुछ साल पहले एक टाइम का खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी और वो काम भी मैन ही करते थे जो अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन आज अगर आप हंग्री फील कर रहे हो तो बस अपना मोबाइल निकालो, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो और 15 मिनट के बाद खाना आपके घर पे। फिजिकल नीड्स पूरी करनी है तो फिर से मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठो और घंटों तक पॉर्न देखते रहो। स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो रही है तो मेडिटेशन और सोशलाइजिंग करने की बजाय नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखो या कोई वेब सीरीज देख लो। इन शॉर्ट, आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर उस चीज को आसान कर दिया जो पहले मेल्स के लिए हार्ड थी और उन्हें स्ट्रांग बनाती थी। जिन चीजों को अचीव करने के लिए पहले मैन को फाइट करनी पड़ती थी, हर तरह के मेंटल और फिजिकल पेन से गुजरना पड़ता था, आज उन्हें उन सब में से कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज एक आसान रास्ते से मिल जाए तो फिर हार्ड रास्ता चुनने की क्या जरूरत है। और इसी इजी लाइफ के चक्कर में मेल्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं कि उन्हें अब इजी काम भी मुश्किल लगने लगे हैं। और इसी के चलते आज दुनिया वीक मेल्स से भरती जा रही है जो सिर्फ इस वर्चुअल दुनिया में ही खुश हैं, जो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए इंस्टाग्राम मॉडल्स और पॉर्न्स का सहारा लेते हैं, कुछ अच्छा और प्राउड फील करने के लिए गेम्स खेलते हैं ताकि खुद को ये दिलासा दिला सकें कि वो दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन अगर आपको ये सब अपनी रियल लाइफ में चाहिए तो सबसे पहले खुद को चीट करना बंद करो, अपनी उस इमेजिनरी और धोखे की दुनिया से बाहर निकलो और रियल वर्ल्ड में कदम रखो। जो चाहिए उसके लिए फाइट करना होगा, उसके लिए वर्दी बनना होगा। फिर चाहे वो पैसा कमाना हो, गेम्स की तरह अपनी लाइफ को लेवल अप करके कुछ अचीव करना हो, खुद को बेहतर बनाना हो या फिर किसी को हराना हो, और एक ऐसा मैन बनना हो जो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके या फिर वक्त आने पर किसी से फिजिकली लड़ भी सके। लेकिन आज आप अपने आसपास देखो, अपने अंदर देखो कि आखिर क्या हो रहा है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के मैन की लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्टी या मुश्किल आती है तो वो बिना कुछ सोचे उस काम को उसी वक्त ही छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हाउ इट्स लाइक टू बी अ मैन, एक मर्द की तरह मुश्किलों का सामना कैसे करना है। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आप एक मर्द हो तो कभी भी एक आसान जिंदगी के लिए दुआ मत करना, बल्कि मुश्किल जिंदगी में जीने के लिए हिम्मत और हौसले के लिए दुआ करना। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में कहीं भी देखें तो आपको मर्द की जिंदगी हमेशा मुश्किल ही दिखेगी। फिर चाहे आप वॉर्स में देखो, वर्ल्ड वॉर्स में देखो, दुनिया में बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस देखो, इनकलाब देखो, वक्त कभी भी मर्द के लिए अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ मर्द ही उस वक्त को सहने के लिए स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन आज वक्त आसान है लेकिन मर्द कमजोर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है टुडेज मैन लैक देयर पर्पस। आज के मैन की वीकनेसेस और डिप्रेशन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज के मेल्स अपने पर्पस से भटक चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, एक मर्द के लिए उसकी मैस्कुलिनिटी, उसका ईगो, उसका प्राइड ही सब कुछ होता है, उसके बगैर मर्द अधूरा सा लगता है। एक मेल के पास जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है उसका मेल ईगो। अब यहाँ मेल ईगो से मेरा ये मतलब नहीं कि जो आपसे वीक है उन्हें नीचा दिखाओ, वुमेन को कोई वैल्यू ही ना दो, नहीं, बल्कि एक मेल का ईगो उसकी सक्सेस, पावर और उसके एटीट्यूड से बनता है। एक मेल अपने अंदर दुनिया को कॉन्कर करने की आग लेकर पैदा होता है और इसी वजह से ही एक मर्द मर्द कहलाता है। लेकिन आज के मेल्स इस सोशल मीडिया, मॉडर्न वर्ल्ड के धोखे में आके अपना पर्पस भूल चुके हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है हमारी जनरेशन की वीकनेसेस की। और स्ट्रांग होने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपनी मैस्कुलिनिटी को बचाना और उसे एम्ब्रेस करना। हर मर्द में एंगर भी होता है, लव भी और लस्ट भी, लेकिन असल मर्द वही है जो उन्हें कंट्रोल करके वो करना जानता है जो उसके लिए सही है, जो अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ के स्ट्रांग और हेल्दी हैबिट्स अपनाता है,
जो लाइफ में मुश्किलात आने पर उनके पीछे रोने की बजाय उनका सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहे। और ये याद रखे कि मुश्किल वक्त स्ट्रांग मैन को जन्म देता है। स्ट्रांग मैन मिलकर अच्छा वक्त बनाते हैं और वही अच्छा वक्त उन्हीं मर्दों को कमजोर बनाता है और कमजोर मर्द फिर से मुश्किल वक्त बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।